मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं पूरी तैयारी खंड शिक्षा अधिकारी की, जो 2020 का पेपर है और BEO शॉर्ट फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इसका हम 30 डेज का रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं और आप लोगों को जैसा कि पता है 16 अगस्त को पेपर है, 28 दिन बचे हुए हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं BEO का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और 3 और 4 भी आज ही अपलोड करूँगी, जिसमें UP स्पेशल और जो चीज़ें आज अभी सेकंड पार्ट में छूट जाएंगी वो 3rd और 4th में आएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का कोर्स। और जिस व्यूवर्स ने पहली बार चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही सीरीज़ आगे भी आती रहेंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत के 10वें राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान महोत्सव की मेज़बानी के लिए कौन सा शहर निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है, आप लोग अपने आंसर भी देते जाएं और अपने मार्क्स भी काउंट करते जाएं। तो ये शहर है अगरतला, जो कि त्रिपुरा में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2019 में भारत न्यू डेवलपमेंट बैंक की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट, इसका आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और जयपुर। तो करेक्ट इसका आंसर है आपके पास, आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, भारत न्यू डेवलप बैंक के संयुक्त कार्यशाला का आयोजन सितंबर 2019। और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग करंट अफेयर्स एक साल के यहाँ पे तैयार करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, मालदीव की मुद्रा क्या है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मालदीव ऑप्शन है आपके पास पैसा, रुपया, दिनार या फिर रुपया। रूफिया और रुपया में बहुत फ़र्क है, तो इसका करेंट आंसर है रूफिया। रूफिया होती है मालदीव की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो एकल नागरिकता का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र की सेम नागरिकता होना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग केंद्र की नागरिकता का ना होना। आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, USA, कैनेडा और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, इंग्लैंड। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है अशोक का उल्लेख, अशोक का उल्लेख, अशोक को प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया है जो भी पुराने अभिलेख मिले हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की को किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने मध्यकालीन युग में भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर फैला हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है NW6, NW5, NW4 और NW2। तो इसका करेक्ट आंसर है NW2। तो NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों का साधन जैसा है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मूलभूत कर्तव्य। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, बाकी मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको निर्देशों का साधन जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों के संबंध में सही शब्द बताना है। तो BEO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, तो कवि यहाँ पर कवि से क्या मैच होगा आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, छंद, मतलब कि कवि द्वारा छंद की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निम्न में से कौन सा प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होता है? तो प्लाज्मा जो होता है उसमें मुख्य प्रोटीन के रूप में इनमें से क्या कार्य करता है? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, मायोग्लोबिन या लिपो
प्रोटीन। करेक्ट आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वह प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनके तीन कथन दिए हुए हैं। परिषद की अधिकतम क्षमता विधानसभा की कुल क्षमता के एक तिहाई तय की गई है और न्यूनतम 40 तय की गई है। ये आपको बताना है करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है, विधान परिषद में दो तिहाई सदस्यों को नगर निकायों, जिला बोर्ड आदि जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड है हमारा, संविधान के विधान परिषद की अधिकतम और न्यूनतम क्षमता की सीमा तय की गई है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में डाला गया है, तो ये डाला गया है चीन को। चीन को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में डाल दिया गया है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 7 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, तो ये आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। सितंबर 2019 में अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 21 सितंबर को जाएंगे, और वो वहाँ इस दौरान ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस समस्या को हल करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्राय प्रयुक्त पद है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं UPPCS में, तो ये एल्गोरिथम है। मतलब कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमेशा हमें क्रम से लिखना पड़ेगा, तो उसका क्रमिक पद होता है एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का टाँकने की सुविधा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इनमें से चारों में से कौन सा सिक्का जो है वहाँ पे नहीं टाँका जाता, छपाई नहीं होती है, तो ये है लखनऊ। इसके अलावा नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद, तीनों में सिक्का की छपाई होती है, सिक्के का टंकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी का इलाज करने में प्रेडनिसोन का उपयोग किया जाता है, ये दवाई का नाम है, तो सूजन संबंधी बीमारी का उपयोग का इलाज करने में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार निजता का अधिकार जो होता है किस लेख के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जिसे निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया है, तो मूल कर्तव्य हमारा निर्धारित किया गया है 4A में, भाग 4A में मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में मवेशियों की सबसे अधिक संख्या के साथ उभरा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मवेशियों की संख्या कौन से राज्य में थी, तो ये थी पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा मवेशियों की संख्या। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाभियोग के माध्यम से अपनी सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल से हटा दिया गया है, तो आज तक अभी कोई भी नहीं ऐसा न्यायाधीश हुआ है जिन्हें समयावधि से पहले हटाया गया हो। तो यहाँ ये ख़त्म होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें मैं UP स्पेशल भी लेकर आऊँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आनी है। तो इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।